हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज हम करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 2014 की बुकलेट को, जिसमें हम एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोडो मिक्सचर क्या है? बोडो मिक्सचर एक है फफूंदी नाशक, यानी कि बोडो मिक्सचर क्या है, एक फंजीसाइड है। इसका यूज करते हैं हम, जितने भी फंगस डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसमें जिसमें कॉपर सल्फेट और लाइम का यूज होता है। एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई प्लांट फॉर ऑयल फॉर्मेशन, यानी कि तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व की, किस तत्व की आवश्यकता होती है तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है? सल्फर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कैस्टर, यानी कि जो अरंडी होती है, अरंडी में कितने परसेंट तेल होता है? तो अरंडी में होता है 52%, यानी 52% तेल होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होती है, उसे हम किसान खाद भी बोलते हैं, कैन में, जिसमें नाइट्रोजन परसेंट होता है 25%, यानी कि 25% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन टूल ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये पूछना चाहते हैं पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है? तो पशु के गोबर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है काऊ में, काऊ डंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटेराइट मृदाओं का रंग होता है, यानी कि कलर ऑफ लैटेराइट सॉइल, तो इसका रंग कैसा होता है? लेटराइट मृदाओं का कलर होता है लाल कलर का, ये लाल कलर का होता है लेटराइट मृदाओं का रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये पूछना चाहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर के निम्नलिखित में से क्या क्या फीचर इंडियन एग्रीकल्चर के हैं? तो इधर हम देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है? छुपी बेरोजगारी, उच्च उत्पादकता, बड़े किसानों की अधिकता, मानसून का जुआ। तो एक तो इसमें हो जाएगा छुपी बेरोजगारी और एक हो जाएगा इसमें मानसून का जुआ, यानी कि हमारा फोर्थ आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन केस ऑफ, यानी कि हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस फसल पर दिखाई दिया? तो वो कौन सी फसल थी? वीट की। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्रॉप का था? वीट का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर कैन किस स्टेट में ग्राउंड होता है? तो ग्राउंड किस में होता है सबसे ज़्यादा, शुगर कैन की उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र, यानी कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बरेली में, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नहीं इंडियन, क्या पूछ रहा है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट वाराणसी में है। वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वाराणसी में, यानी कि साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी, यानी कि राइस में मतलब जो पैडी की क्रॉप होती है उसमें कितने परसेंट राइस होता है, चावल का परसेंट कितना होता है? तो चावल का परसेंट वो होता है कितना होता है, 66% होता है चावल का परसेंट। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70%, यानी कि 70.0, यानी कि 70% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फंजाई आर एक्टिव इन सॉइल एट पीएच, यानी कि जो कवक होते हैं, कवक कितने पीएच पर भूमि में क्रियाशील होते हैं? तो कवक कितने पीएच पर भूमि में क्रियाशील होते हैं? 5 पीएच पर एक्टिव होते हैं ये भूमि में। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन फॉर यानी कि भीट गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त तापमान क्या है? तो गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त तापमान क्या हो जाएगा? वैसे होता है 21 से 25, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 24 से 26। किसान खाद जिनोनेज,
किसान खाद किसे कहते हैं? किसान खाद कहते हैं अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। किसान खाद किसे कहते हैं? कैन को, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, जिसमें 25% नाइट्रोजन होती है, उसे हम बोलते हैं किसान खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, कल्याणपुर कानपुर में। झुलसा डिजीजेज ड्यू टू डिफिशंसी ऑफ, यानी कि झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तांबा की कमी, वो क्या नाम से, जिंक की कमी से। जिंक, झुलसा बीमारी किस कमी से होती है? जिंक की कमी है से, डिफिशंसी ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतम कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि जनरली यूपी सॉइल हैव ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश की सॉइल होती हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज कितना होता है? तो जो उत्तर प्रदेश की सॉइल होती है उनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है 0.12, 0.3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 0.12, 0.3। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी, यानी कि आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होना चाहिए? तो कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है वो कितना होता है, 5 से 3.5, यानी कि 3.5 to 5, ये हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धान के लिए सूक्ष्म पोषक, धान के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट इसेंशियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। तो पैडी कल्टीवेशन के लिए कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट है? ये है जिंक, क्योंकि धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से, और बहुत सारे डिजीज हैं जो कि जिंक की कमी से होते हैं, तो धान में माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा है? जिंक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ लेग्यूनस एंड ऑयल सीड, यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है? तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोयाबीन, सोयाबीन हो जाएगा इसमें सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया, इन इंडिया द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड एनिमल्स, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया है। भारतवर्ष में मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? तो भारतवर्ष में जो मनुष्य तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात है वो कितना है? 1:2, 1:2 हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट सा लग रहा है। भारत में मनुष्य तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात 1:2, अकॉर्डिंग टू मी 1:2 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर बीर का भंडारण होता है, यानी कि सीमेन का पूछ रहा है ये। स्टोरेज ऑफ सीमेन इन रेफ्रिजरेटर इज डन एट टेम्परेचर, किस कितने टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में सीमेन को रखा जाता है? तो इसमें तो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा आंसर। लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा बफेलो, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि मुर्रा भैंस का औसतन दुग्ध उत्पादन काल कितना होता है, यानी कि कितने दिनों तक मुर्रा भैंस है वो दूध देती रहती है? तो मुर्रा भैंस दूध देती है कितने तक? 280 से 300 दिन, 280 से 300 दिन, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में अंडे लगभग कितने देती है? तो भारतीय मुर्गी जो होती है वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 80 अंडे देती है, यानी कि हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो पनीर में जो वसा होती है वो कितनी होती है? 15%, इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही, यानी कि 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंट विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी लिखा है यहाँ पे। विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और ये लिखा है रिकेस्ट, रिकेस्ट यानी कि सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो ये हम देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी। आगे देखते हैं हिंदी में लिखा होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसमें होता है बेरी बेरी डिजीज। सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर कॉलीफ्लावर, यानी कॉलीफ्लावर की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 400 से 600 ग्राम होती है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 500 ग्राम, करेक्ट।
यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजेंसी ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू, यानी कि ऑनियन जो होता है प्याज में तीखापन किसकी वजह से होता है, चरपराट या तीखापन, तो वो होता है एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड की वजह से, यानी एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एलाइल प्रोफाइल सल्फाइड भी दिया गया है, एलिसिन भी दिया गया, केरोटीन भी दिया गया, तो हमारा हो जाएगा एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, डाई डाई मीन्स डबल, डाइसल्फाइड। अगला देखते हैं हम क्या हो जाएगा, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार के उपाय के रूप में चकबंदी निम्नलिखित में से किस राज्य में सफलतापूर्वक उड़ान नहीं भर सकी, यानी कि किस राज्य में सफलतापूर्वक उड़ान नहीं भर सकी, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा राज्य में चकबंदी का सही से प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मैंगो इज फ्रूट, यानी कि मैंगो जो फ्रूट है वो कैसा फ्रूट है, सोरोसेस है, ड्रूफ है, बेरी है या नट है, तो मैंगो क्या है हमारा, ड्रूफ फ्रूट है, क्योंकि इसमें कठोर गुठली होती है, जिनमें गुठलियाँ होती हैं हम स्टोन बोलते हैं, वो सब फ्रूट क्या होते हैं, ड्रूफ होते हैं, ड्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन परसेंटेज इन रॉ आयरन, यानी कि जो कच्चा लोहा होता है उसमें कितने परसेंट आयरन पाया जाता है, कच्चे लोहे में कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है, कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 3.5%, तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी कि कार्य की इकाई होती है, काम करने की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई होती है जूल, कार्य की इकाई जूल होती है। वन हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितनी, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। हॉर्स पावर को हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति, एक घोड़े की शक्ति, यानी कि अश्वशक्ति कितना होता है, 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमोसफियर, तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमोसफियर, यानी कि एटमोसफियर की सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर होती है लोअर पार्ट ऑफ एटमोसफियर, एटमोसफियर की सबसे निचली परत होती है वो होती है क्या नाम से, एटमोसफियर की सबसे निचली परत होती है कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया रीजनल रूरल बैंक वर एस्टेब्लिश्ड, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, यानी कि वर्ल्ड बैंक कहाँ पर स्थित है, तो ये है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एक हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में, एक हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रुपाई की जाती है, यानी कि वन हेक्टेयर नर्सरी ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन, तो ये कितना हो जाएगा, एक हेक्टेयर से अगर हम नर्सरी को ट्रांसप्लांट करेंगे तो लगभग में ये पहुंचेगा 20 हेक्टेयर, यानी कि अगर हम एक हेक्टेयर एरिया में नर्सरी तैयार करेंगे तो ये कितनी एरिया में हमारी ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी, 20 हेक्टेयर में, 20 हेक्टेयर में कवर कर जाएगी। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द स्टेट इंडिया हैविंग एवरेज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन भारत के किस राज्य में है, तो कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल कॉटन की क्रॉप के लिए मोस्ट सुटेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ एस ऑफ गुड टोबैको, यानी कि जो अच्छी तंबाकू की राख होती है उसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है, एक तो इसका कलर ग्रे होता है और वाइट होता है, तो हमारा यहाँ पर वाइट आंसर दिया गया है सफ़ेद, तो हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद, यानी कि वाइट आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर चार, यानी कि जो अच्छी तंबाकू होती है उसकी राख कैसी होती है, सफ़ेद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वाटिक, यानी कि जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फाइकोलॉजी, यानी
यानी कि जो थैलोफाइट्स होते हैं, एक्वाटिक थैलोफाइट्स होते हैं, उनका अध्ययन किस में करते हैं हम? फाइकोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी में क्या करते हैं? पैरासिटोलॉजी में करते हैं पैरासाइट का अध्ययन। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में हम का अध्ययन करते हैं कवक का, यानी कि फंगस का। कवक का अध्ययन किसका करते हैं? माइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर, यानी कि कौन सी साल में जो ड्वार्फ वेराइटी है वो इंट्रोड्यूस हुई भारत में? तो भारत में बोनी प्रजाति, बोनी जाति के गेहूं के आगमन का किस वर्ष है? तो इसमें कौन सा वर्ष है? 1963। 1963 में भारत में बोनी प्रजातियां आई। इसके बाद में क्या हुआ? हरित क्रांति आई, हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इडबल पोर्शन ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो का खाने वाला भाग कौन सा होता है? आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो आलू को हम क्या खाते हैं? कौन सा भाग खाते हैं? स्टेम, तना। क्या लिखा? कलर ऑफ मुर्रा बफेलो, तो इसका मुर्रा बफेलो कलर होता है जेट ब्लैक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डार्क ब्लैक हो जाएगा। जो मुर्रा ब्रीड है भैंस की, उसका कलर कैसा होता है? जेट ब्लैक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डार्क ब्लैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ जमुना पारी गॉड, यानी कि जो जमुना पारी बकरी है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो जमुना पारी बकरी है चंबल की घाटियाँ, मोस्टली चकननगर डिस्ट्रिक्ट इटावा उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है। तो हमें क्या यहाँ पर मिला है? इटावा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इटावा। यदि यहाँ पर इटावा ना होता तो हम यहाँ पे लगाते आगरा, और अगर आगरा ना होता तो हम यहाँ पे लगाते अलीगढ़। तो यहाँ पर सबसे नियर कौन सा है? चकनगर मोस्ट, इसका जन्म स्थान माना जाता है चकनगर, इटावा उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इटावा, जमुनापारी का जन्म स्थान। अब क्या आगे पूछा गया? नाफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन, नाफेड क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है? चलिए आगे देखते हैं। नाफेड निम्नलिखित में से किसकी संस्था है? तो नाफेड किसकी संस्था है? कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय विपणन विपणन की एजेंसी की, यानी कि मार्केटिंग एजेंसी फॉर इंटरस्टेट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुर्गी का औसत तापक्रम कितना होता है? तो मुर्गी का औसत तापक्रम कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि एवरी टेम्परेचर ऑफ फैन कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रॉप इंश्योरेंस इज दी मोनोपोली, यानी कि फसल बीमा में एकाधिकार, एकाधिकार यानी फसल बीमा में एकाधिकार में इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन, यानी कि जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन इसका आंसर हो जाएगा फसल बीमा में एकाधिकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, यानी कि सीड रेट ऑफ चिली पर हेक्टेयर, सीड रेट ऑफ चिली पर हेक्टेयर, तो इसकी जो इसकी बीज दर होती है वो कितनी होती है? मोस्टली इसकी 1.5 से 3 किलोग्राम होती है, 1.5 से 2.5 किलोग्राम भी कहीं कहीं मिलती है, तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg पर हेक्टेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सारी बुकलेटों को वन बाई वन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।